खबरों में आते पड़ते हुए रुक करते हैं डबका। तो ग्वालियर लोकसभा प्रत्याशी के प्रचार वाहन में तोड़फोड़, कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक के वाहन पर हुआ हमला। बारोल गांव में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़, वाहन चालक के साथ अभद्रता की गई है। वाहन चालक ने डबरा कार्यालय में सूचना दे दी है। प्रवीण पाठक ने कहा कि चुनाव को जाति विशेष न मानकर स्वतंत्र तरीके से चुनाव सम्पन्न होने दें, चुनाव प्रचार के लिए सभी स्वतंत्र हैं। प्रवीण पाठक के वाहन पर हमला हुआ है, प्रचार वाहन में तोड़फोड़ की गई है। बारोल गांव में असामाजिक तत्वों ने ये तोड़फोड़ की है। तो कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार वाहन पर हमला हुआ है। ग्वालियर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी है प्रवीण पाठक, जिनके वाहन पर हमला हुआ है। इसके साथ साथ असामाजिक तत्वों ने वाहन चालक के साथ भी अभद्रता की है। आज बारोल गांव में जिस तरीके की घटना हुई, हमारा प्रचार के रथ को रोका, तोड़फोड़ की एक जाति विशेष के लोगों ने, लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना बहुत ही शर्मनाक है। और मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में स्वच्छंदता के साथ, ईमानदारी के साथ चुनाव होना चाहिए। मैं बाहुबलियों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं, और इस प्रकार से माहौल खराब करने से लोकतंत्र की मर्यादा भंग होती है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि चुनाव सामान्य तौर पर चल रहा है, इसको वैसे ही चलने दें, जातिगत आधार पर ना ले जाएं। मैं कभी भी जातिगत राजनीति नहीं करता, हमेशा विकास पर आधारित राजनीति करता हूं। मैं बारोल के कुशवा समाज के लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोग, बीजेपी के भी लोग स्वतंत्र हैं प्रचार करने के लिए, कांग्रेस के भी लोग स्वतंत्र हैं। आप लोग माहौल इस तरीके का रखें कि चुनाव में कोई परेशानी ना आए, और इस प्रकार की जातिवादी भावनाओं से ऊपर उठ के हमको लोकतंत्र की मर्यादा को बचाना होगा। तो राजेश सोनी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ जानकारी मिली और किस तरह से आरोप लग रहे हैं कि जो कांग्रेस प्रत्याशी पर हमला हुआ है, गाड़ी पर हमला हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का ही हाथ है? जी, मैं आपको बता दूं कि यह पूरा मामला है ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के डबरा के पास में एक बारोल गांव है, वहां का मामला है, जहाँ पर प्रचार वाहन जो होता है कांग्रेस का, वो सभी प्रचार वाहन अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस का एक प्रचार वाहन बारोल गांव पहुंचता है, तो वहां पर कुछ समुदाय के लोग, जो कुशवा समुदाय के लोग हैं, उन्होंने उस पर बताया, आज जो वाहन चालक है उसने बताया कि जो कुशवा समाज के लोग हैं उन्होंने उस पर हमला कर दिया। वाहन चालक पर उस पर जो बैनर पोस्टर थे उसको फाड़ दिया गया, और वाहन चालक से बोला गया कि इस वाहन को अब हमारे गाँव में न लाया जाए और इसका प्रचार प्रसार भी न किया जाए। तो जिसको लेकर के वह उससे अभद्रता की गई, उससे गाली गलौज की गई, उसे वह जान बचाकर अपने चुनाव कार्यालय डबराया और उसने पूरी सूचना उसको दी गई। वहीं पर प्रवीण पाठक का कहना है कि इसको एक जाति विशेष न लेते हुए चुनाव को एक संपन्न तरीके से, स्वतंत्र तरीके से संपन्न कराया जाए तो बेहतर होगा। इसके लिए एक जो रणनीति बनाई गई है, जो स्वतंत्रता है, उसको सभी का हक है चुनाव प्रचार करने का, इसको रोका ना जाए। जी बिल्कुल, प्रचार वाहन में तोड़फोड़ की गई है, कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार वाहन पर हमला किया गया है। तमाम जानकारी के लिए राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया।